दोस्तों एक ऐसी प्रैक्टिस जिसको अमल में लाते हैं अगर आप, तो आपके बगीचे में पांच चीजें होंगी। कलर डेवलपमेंट अच्छे से होगी, फूलों की निर्मित होना शुरू होगी, फंगल डिजीजेस को कंट्रोल कर पाने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प, यंग प्लांट्स है, कम्पिटेटिव शूट्स नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आइडिया लगा दिया होगा, मेरा इशारा समर पूर्णी की तरफ, तो आज हम जो है समर पूर्णी के बारे में बात करें। समर प्रूनिंग जो है बगीचे के अंदर सनलाइट पेनिट्रेशन बढ़ाती है। अगर फल देने वाले पौधे नहीं हैं, फल नहीं आ रहा है, पौधे बड़े बड़े हैं, उम्र बड़ी हो गई है, तो ऐसे पौधों में अगर आप समर प्रूनिंग करते हैं तो बीमों की निर्मित होना शुरू होती है, बीमे बनना उसके ऊपर शुरू होते हैं, या यूं कहें कि वेजिटेटिव ग्रोथ को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप समर प्रूनिंग सही समय पर और सही समर प्रूनिंग आप करते हैं। इसके अलावा कलर डेवलपमेंट अच्छा होगा, और अगर आप समर प्रूनिंग करते हैं तो लाइट पेनिट्रेशन के साथ साथ एयर सर्कुलेशन भी बढ़ता है, क्योंकि जो डेंस कैनोपी होगी अनवांटेड शूट के होने के कारण, वो डेंस कैनोपी अब जो है थोड़ा सा खुलेगी, अनवांटेड शूट्स आप वहां से जब रिमूव कर देते हैं तो एयर सर्कुलेशन भी बढ़ता है, और जब सनलाइट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो फिर इसका असर डेफिनेटली स्कैब, अल्टरनेरिया और मार्सोनिना के कंट्रोल करने पर भी होता है, यानी इन तीनों बीमारियों को भी आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। और जो यंग प्लांट्स हैं, जवान पौधे हैं, जिनको आप अभी बढ़ा रहे हैं, उन पौधों में कंपिटिटर तैयार होते हैं जो कि लीडर के साथ कंपीट करते हैं, और जब वो लीडर के साथ कंपीट करते हैं तो ऐसे में लीडर के ऊपर अच्छी ब्रांचेस, अच्छे फेदर्स निकलना बंद हो जाता है, और इसके साथ साथ जो कंपिटिटर है वो जो है लीडर के बिल्कुल समानांतर ऊपर की तरफ को वर्टिकली ग्रो करता है, जिससे कि एक न्यूनतम कोण बनता है, न्यून कोण बनता है उन दोनों ब्रांचेस, लीडर और ब्रांच के बीच में, जो कि आगे जाकर के ब्रेक भी हो सकता है। तो ये भी हम जो है समर प्रूनिंग के दौरान ही काटते हैं। दोस्तों समर प्रूनिंग करने का भी एक फिक्स समय, एक फिक्स टाइमिंग होता है जब आपको समर प्रूनिंग करनी चाहिए। ऐसे ही कभी भी कैंची लेकर के हम समर प्रूनिंग बगीचे के अंदर करते हैं वो सही नहीं होता है। एक टाइमिंग जो है उस टाइमिंग में ही आपको समर प्रूनिंग करनी चाहिए, खास करके फलदार पेड़ों की जिनके ऊपर क्रॉप आती हो। समर प्रूनिंग आप सेब तुड़ान से 40 दिन पहले शुरू करें और 10 दिन के अंदर आप समर प्रूनिंग को क्लोज भी करें, क्योंकि लेट आप अगर समर प्रूनिंग करें तो फ्रूट के साइज के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ता है, यानी फ्रूट का साइज जो है कम रह सकता है। तो 40 दिन पहले शुरू करना और 10 दिन के अंदर समर प्रूनिंग को खत्म भी करना है। समर प्रूनिंग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये हम पहले देख लें। समर प्रूनिंग जब आप करेंगे तो एक चीज गांठ बांधें कि जो कैंची आपके पास है समर प्रूनिंग करने के लिए वो लगभग 7 से 9 इंच होती है, और इससे बड़े अगर शूट है तो उनको कट करना चाहिए, उनको कट करना चाहिए, उनको एडबैक करना चाहिए। अगर इससे छोटे शूट है तो उनको कट नहीं करना, उनको छोड़ देना है। कैंची के बराबर जो शूट होगा उसको छोड़ देना, या कैंची से छोटे साइज का जो शूट है उसको छोड़ना है, और इससे बड़े शूट जो होंगे केवल उन्हीं को ही काटना है। और आप ये भी ध्यान दें, जिस शूट को आप काट रहे हैं उसकी ग्रोथ सेटल होनी चाहिए। सेटल माने कि जो शूट है वो अब ग्रो नहीं कर रहा हो, उसकी ग्रोथ जो है ऊपर से रुकी होगी। आपको अगर ध्यान होगा कि एक ग्रोथ जो है जब बड ब्रेकिंग शुरू होती है उसके बाद जब शूट निकलना शुरू होता है, वो शूट जो है लगभग जून के आखिरी के आसपास, यानी जून के तीसरे चौथे सप्ताह में उस शूट की ग्रोथ रुक जाती है, और फिर सेकेंड ग्रोथ जो है वो मानसून जब शुरू होता है तब उसकी नई ग्रोथ उसके ऊपर शुरू होती है, यानी वहां से फिर दोबारा वो ग्रो करना शुरू होता है। तो जिस शूट की ग्रोथ सेटल हुई है उन शूट को काटें, जो अभी ग्रोथ में ही है उनको नहीं काटें। जब आप शूट को काटते हैं तो उसको आप 3 लीफ के ऊपर काटें, अमूमन आधा या 1.25 इंच के ऊपर उसको काटना चाहिए, बाकी पूरा शूट जो है उसे रिमूव हो जाता है, आधा 1.25 इंच शूट ही नीचे बचता है, इसमें लगभग 3 या 4 पत्ते बचते हैं, और इसमें सबसे नीचे का जो लीफ होगा उसके ऊपर बीमा बनेगा, उसके ऊपर का जो दूसरे नंबर का लीफ है वहां पर भी बीमे बनने की गुंजाइश होती है, और जो सबसे ऊपर का लीफ है वहां से शूट दोबारा से रीग्रो करना शुरू करता है। अगर जल्दी आप ये समर प्रूनिंग करते हैं तो इससे क्या होगा कि बीमा नहीं बनेगा, रीग्रोथ शुरू हो जाती है उसमें, और एक नया शूट दोबारा से उतनी ही साइज का आपके सामने होता है, बीमा नहीं। तो समर प्रूनिंग जब आप करें ये भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लीफ नीचे ना गिरे। अगर लीफ जो है बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं तो उससे फ्रूट ड्रॉपिंग के चांसेस भी बढ़ते हैं। मैं ये कहने से आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये कहना भी जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग बिना ये इस जानकारी के कि समर प्रूनिंग कैसे करनी है, कितनी करनी चाहिए, वो समर प्रूनिंग कर लेते हैं और मैक्सिमम लीफ, मैक्सिमम शूट्स वो नीचे उतार देते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट ड्रॉपिंग भी होती है। तो आपको समर प्रूनिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए, फिर आपको समर प्रूनिंग करना चाहिए। और एक चीज कि जब आप समर प्रूनिंग करते हैं तो समर प्रूनिंग में आप पुरानी, यानी 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी जो ब्रांचेज होती है उन ब्रांचेज को आप रिमूव नहीं करते हैं, उनको कट नहीं करना है, सिर्फ इस साल जो ग्रोथ
आई है, इस साल की जो नई ग्रोथ है, सिर्फ उसको ही आपको समर के दौरान कट करना होता है। बड़ी मोटी ब्रांचेस को, जो 1-2 से ज़्यादा ईयर ओल्ड ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस को आपको जो है विंटर्स में प्रून करना चाहिए। तो जब हम समर प्रूनिंग करते हैं, तो समर प्रूनिंग से जो शूट हमने रिमूव करें, जो अनवांटेड शूट हमने बाहर निकाले हैं, इससे क्या है, सूरज की किरणें अंदर तक पहुँचती हैं। एक तो जो फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर कलर कैसे आएगा, कलर आएगा जब एंथोसियानिन सिंथेसिस होता है, और उसके लिए सूरज की किरणों का वहाँ तक पहुँचना, फ्रूट तक पहुँचना, फ्रूट की स्किन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग जो हैं प्रूनिंग ही पौधों की ऐसे करते हैं, बगीचे ही ऐसे बनाए हैं, पौधे ही ऐसे बनाए हैं कि वो बिल्कुल अंधेरा होता है। और आपने खुद भी देखा होगा कि जो फ्रूट है उस पे कलर तभी आता है जब वो सूरज की किरणों की तरफ है, यानी पौधे के बाहरी क्षेत्र में, खास करके ऊपर चोटी की तरफ वाला जो एरिया होता है, लगभग 20-30% ऐसा एरिया कैनोपी का होता है जहाँ पर धूप पहुँचती है, और उसी पे ही फ्रूट कलर अच्छा भी रहता है। लेकिन बाकी का जो 60-70% कैनोपी का एरिया है, वहाँ पे कलर ही नहीं आता है। और ये कलर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। इसीलिए समर प्रूनिंग कलर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया साधन है। और इससे और क्या होगा कि अगर बहुत सारे शूट्स ऊपर हैं, तो पौधा जो है खूब सारे न्यूट्रिएंट्स खींचता भी है और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस भी करता है। तो ऐसे में ज़्यादा शूट वाला जो पौधा होता है उसमें वैसे ही कलर नहीं आता है, और वो बीमे बनाने में भी सही सक्षम नहीं हो पाता है। जब आपने समर प्रूनिंग करी तो बीमों की निर्मिति भी बढ़ती है। हाँ, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पौधा स्ट्रेस में है, पौधा कमज़ोर है, पौधा वीक है, उसके ऊपर यूं ही वेजिटेटिव ग्रोथ कम है, शूट उसमें वैसे ही कम आते हैं, तो ऐसे पौधों को समर प्रून करने से परहेज करें, ऐसे पौधों की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे पौधे जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जो बिल्कुल ऊपर की तरफ को ग्रो करते हैं, जिसमें फसल आने के चांस कम है, फसल आती तो हरे रहते हैं दाने, उस पे कलर ही नहीं आता है, ऐसे पौधों की समर प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक होता है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।